समस्त कल्याण गुणाभिराम सीता मुखाम्बरोह चंचरीक निरंतरं मंगल मातनोत। हे रामचंद्र कह गए सिया से हो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा हंस चुगेगा दाना दुन का हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। ओ जी ओ रामचंद्र कह गए सिया से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी नहीं होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा पर एक शर्म नहीं होगी नहीं होगी। ओ बात बात में माता पिता को बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी खींचातानी। ओ राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी खींचातानी कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी हो मनमानी। अरे जिसके हाथ में होगी लाठी भैया प्रभु श्री राम सीता मैया से कह रहे हैं अरे जानकी कलयुग में जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। अच्छा तो वही बात कवि ने लिखा है कैसे जिसके हाथ में
वही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, हो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। और क्या क्या होता है महाराज, जरा आप ये भी बताएं। और प्रभु श्री राम बता रहे हैं मैया को कि कलयुग में और क्या क्या होने वाला है। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, हाँ मन होंगे। महाराज इसका मतलब हम नहीं समझ पाए, इसका मतलब क्या हुआ जरा आप विस्तार से बताइए। प्रभु श्री राम मैया से कह रहे हैं कि कलयुग में काले धन और काले मन वालों की सीते कमी नहीं होगी। अच्छा, तो कवि ने लिखा, सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, हो मन होंगे। और चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लो भी और भोगी, जो होगा लो भी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। प्रभु श्री राम मैया को क्या बताते हैं,
मंदिर सोना सोना होगा भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला। तो मैया जानकी ने कहा कि ये कैसे प्रभु? तो प्रभु ने कहा ऐसी थे जिस समय कलयुग में निशान को मंदिर में जाकर ध्यान पूजन अर्चन करना चाहिए उसी समय वह मधुशाला में होगा। तो वही बात लिखा हाँ मंदिर सोना सोना होगा भरी रहेगी मधुशाला हाँ मधुशाला। और पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला घर की बाला। और बड़ी सुंदर बात कही प्रभु श्री राम ने मैया जानकी से कैसा कन्या दान पिता ही कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। हे जीरे से ऐसा कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती।